तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ने लईने ગુજરાતીઓ સુ સમગ્ર વિશ્વની નજર તેના પર રહેલી છે। આવતીકાલે આ મેચ નમો સ્ટેડિયમમાં રમાશે કે જેને લઈને લોકોમાં એક અલગ પ્રકારનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खाली मैच नहीं परंतु इमोशन कही शकाय। महीनाओं पहला मैच माटे लोको रेडी थई गया हता, हवे फक्त एक दिवस नी वार छे। आ मैच माटे शू कहेवू छे लोकोनू, आवो सांभळीए। कल यानी कि 14 अक्टूबर को जो है भारत और पाकिस्तान का यानी कि सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला जिसको कहा जाता है वो कल वर्ल्ड कप जो 2023 चल रहा है उसके अंदर नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ये मैच जो है वो खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। कटोकटी का मुकाबला जो है वो होने वाला है क्योंकि बात करें तो दोनों ही टीम की दो दो मैचें जो है वो हो चुकी है और दोनों ही टीम ने जो है दोनों मैच जो है अपने हिस्से में जो है हासिल कर ली है। दोनों टीम विजेता रही है। अब कल की जो मैच है कल की मैच की अगर बात करें तो कल की मैच जो है वो काफी रसप्रद जो है वो होने वाली है क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान की मैच होती है तो देखा जाता है कि कड़ा मुकाबला जो है ये इसके अंदर देखा जाता है। भारत के लोगों की बात करें तो भारत के लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, पूरे देश से लोग कल यहाँ पर स्टेडियम में यहाँ पर मैच देखने के लिए आएंगे। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, उनसे बात करते हैं वो लोग कहाँ से आए और मैच देखने के लिए और टिकट मिली कि नहीं मिली। क्या नाम है सर? मेरा नाम पप्पू राम है और मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ और टिकट जो है कल से ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक जो है टिकट नहीं मिल रही। यानी मैच देखने के लिए आए लेकिन टिकट नहीं मिली? टिकट नहीं मिली लेकिन टिकट कहते थे 2000 लेकिन अब कह रहे हैं 40,000। अभी एक भाई ने बोला कि 40,000 की टिकट मिलेगी लेकिन सोचा कि यार 15,000। सुबह एक बंदा आया भाई वो फ्लैट में, उन्होंने कहने लगे यार टिकट 15,000 में मिलेगी। वो लेके जब उन्होंने स्कैनर किया तो टिकट भी खराब थी। अच्छा, स्कैनर भी नहीं हो रही थोड़ी, लेकिन वो कहने लगे उसी वक्त वो वापसी गाड़ी चढ़े और वापसी घर चले गए और वो बम्बई से आए थे। एक महत्वपूर्ण